हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने बच्चे को ट्रेसिंग सिखाने से पहले क्या सिखाएं। देखिए, जब भी आपका बच्चा प्रॉपर तरीके से पेंसिल पकड़ना सीख जाए और उसे बैलेंस करना सीख जाए तो कभी भी आप उसे डायरेक्टली अल्फाबेट्स या काउंटिंग लिखवाना ना शुरू करें, क्योंकि हमें बच्चों के लिए लिखना बर्डन नहीं बनाना, बल्कि उनके लिए लिखना हमें इंटरेस्टिंग बनाना है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप उसे लिखना स्टेप वाइज स्टेप सिखाएंगे। और जब आप उसे लिखना स्टेप वाइज स्टेप सिखाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे के अंदर जो सीखने की इच्छा है ऑटोमेटिकली बिल्ड होती चली जाएगी। आप अपना ही एग्जांपल ले लीजिए, जब आपको कोई चीज समझ में आती है तो आप उसे सीखने में और इंटरेस्ट लेते हैं, और उसी के अपोजिट वही चीज आपको अगर समझ में नहीं आती है तो आप उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और यही चीजें आपके बच्चों पे भी अप्लाई होती है। तो बस मेरा कहना ये है कि आप अपने बच्चे को जो भी सिखाएं, चाहे वो ओरल हो या वो रिटन हो, उसे स्टेप वाइज स्टेप सिखाएं ताकि उसका जो बेस हो वो बिल्कुल स्ट्रांग हो। और यही वो टाइम है जब आप अपने बच्चे के बेस को स्ट्रांग कर सकती हैं। जब वो नर्सरी और केजी क्लास में होता है तभी आप अपने बच्चे के बेस को स्ट्रांग कर सकती है, क्योंकि जब वो फर्स्ट क्लास में जाएगा तो वो कहीं ना कहीं सिलेबस के बीच में उलझ कर रह जाता है, और उस टाइम आपके हाथ में भी कुछ नहीं होता क्योंकि स्कूल के काम का बर्डन बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए पेरेंट्स प्लीज उसके बेस को स्ट्रांग करने में उसकी मदद करें और उसको स्टेप वाइज स्टेप चीजों को सिखाने में उसकी हेल्प करें। और ये कैसे होगा मैं आपको बताऊंगी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज आप बच्चे को डॉट से परिचित करवाएंगे। डॉट, उसे बिंदी बोल सकती है, डॉट बोल सकती है, वट एवर, जैसे भी आपका बच्चा समझता है। और इसी डॉट पर जो भी आप इसके आगे स्टेप उठाएंगी, चाहे जो भी आप उसे लिखना सिखाएंगी, चाहे वो अल्फाबेट्स हो, चाहे काउंटिंग हो, या स्वर या व्यंजन हो, कुछ भी सिखाएंगी, वो सभी चीजें इसी डॉट पर डिपेंड होंगी। आप ट्रेसिंग भी अगर करवाना चाहेंगी तो वो भी डॉट पर ही डिपेंड है। तो सबसे पहले उसे पता होना चाहिए कि वो डॉट है क्या, तो इसलिए आज उसे आप केवल डॉट से आइडेंटिफाई करवाएंगे। उसे बताएंगे कि जो पेंसिल की नोक से और जो ड्रॉ होता है उसे हम डॉट बोलते हैं। तो आप इस तरह से बच्चे को समझा सकती हैं, अपने बच्चे को, कि आप एक पेंसिल लीजिए और उसे पॉइंट आउट करते जाइए और उसे बोलते जाइए, और बार बार उसके साथ रिपीट भी करना है, बेटा ये फर्स्ट डॉट, सेकेंड डॉट एंड थर्ड डॉट, फर्स्ट डॉट, सेकेंड डॉट, थर्ड डॉट, फर्स्ट डॉट, सेकेंड डॉट, थर्ड डॉट, फर्स्ट डॉट, सेकेंड डॉट, थर्ड डॉट। इसी तरह से आप बच्चे को सेम इसी तरह से करने के लिए बोलिए और बच्चा आपके साथ बार बार रिपीट करेगा। रिपीट उसे जरूर करवाइए, उसे बोलना जरूर सिखाइए, क्योंकि जितना बच्चा आपका बोलेगा उतनी ही जल्दी बच्चा आपका सीखेगा। तो उसे इसी तरह से फर्स्ट डॉट, सेकेंड डॉट, थर्ड डॉट, फर्स्ट डॉट, सेकेंड डॉट, थर्ड डॉट, इस तरह की आप पिक्चर उसे कोई भी बना के दे सकती हैं और उसको इसी डॉट की सहायता से, इसी डॉट की हेल्प से पूरा फिलअप करवाना है, उसे बोलना है, उसे गाइड करना है कि वो इसी डॉट से उसे फिल करे और रिपीट करता जाए। रिपीट करना तो बिल्कुल भी नहीं उसे छुड़वाना है, बच्चा बार बार रिपीट करेगा और डॉट से आइडेंटिफाई इजीली हो जाएगा। और ये प्रोसेस आपको केवल एक ही दिन करना है, एक ही दिन में बच्चा आपका डॉट्स को आइडेंटिफाई इजीली कर लेगा और उसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का भी आइडेंटिफाई इजीली हो जाएगा। जब भी आप उसको अगला नेक्स्ट स्टेप सिखाएंगी, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, आप देख पाएंगी, आप समझ पाएंगी कि डॉट का सेपरेट वीडियो आपके लिए क्यों बनाया है, क्योंकि जो अगली चीजें हैं, अगली चीजें जो आप लिखने सिखाएंगी बच्चों को, वो सभी चीजें डॉट पर ही डिपेंड होंगी। तो बच्चे को आप डॉट से आइडेंटिफाई स्पेशल एक दिन उसे जरूर दें, जिस दिन वो बच्चा केवल डॉट को आइडेंटिफाई करने में लगाएगा, और यही उसका परफेक्ट बेस बनेगा। और हालांकि मुझे लगता नहीं है कि ये डॉट के लिए कोई स्पेशल डॉट आइडेंटिफाई करवाता होगा बच्चे को, तो जब तक बच्चे को आप डॉट से आइडेंटिफाई नहीं करवाएंगे, बच्चा आगे कुछ भी सीखने में कंफ्यूज रहेगा और उसको बर्डन फील होगा। तो आप इसी तरह से फर्स्ट डॉट, सेकंड डॉट, थर्ड डॉट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डॉट डॉट, इस तरह से उसको रिपीट करवाते जाइए और पिक्चर्स को डॉट से फिल करवाइए।
बस आपको इसी तरह से बच्चे को फर्स्ट डॉट, सेकंड डॉट, थर्ड डॉट रिपीट करते हुए बच्चे को डॉट की पहचान करवानी है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक समय से पहुंचे। और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि उससे रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए ला सकूं। और मेरे चैनल को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।